हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का फिर हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे एडवांस फिल्टरिंग पे। और कल भी एडवांस फिल्टरिंग पे हम बात करेंगे, यानी कि आज मैं एडवांस एक्सेल की शुरुआत करने जा रही हूँ। एडवांस एक्सेल, एक अभी तक का जो एक्सेल था वो बेसिक एक्सेल था, और एमएस ऑफिस का पार्ट था। लेकिन हम लोग आज से एडवांस एक्सेल की शुरुआत कर रहे हैं। एडवांस एक्सेल बहुत ही, इसमें आपके MIS रूल्स होते हैं, जिनमें लगभग एक दो फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पिवोट टेबल का यूज़ किया जाता है और ट्रंक का यूज़ किया जाता है। तो यही एडवांस एक्सेल में आता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई सारी चीज़ें बताऊँगी एडवांस एक्सेल में आपको, और ये वाला सेशन आपको बहुत मुश्किल से जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टफ, बहुत टफ सेशन है। ये मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला था, और एक बार बस थोड़ा बहुत मुझे किसी ने सिखाया था जब मैं ट्रेनिंग पे गई थी बेंगलुरु, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत किसी ने मुझे एक दो बार, वहाँ तो बताते भी नहीं थे लोग, वहाँ पर, वहाँ एक इस तरह की स्टडी थी कि सिर्फ आपको एक नोट्स मिलेंगे लिखे हुए, जो आप ऑनलाइन जाइए वो आपको सर अपना सर्वर एड्रेस दे देंगे, सर्वर पे जाके वहाँ से कॉपी करके पढ़ो और उन्हीं का ही सिस्टम के फोल्डर में सेव कर दो उसे, है ना। तो वो चीज़ थी, वहीं पे पढ़ो और फिर उसको बताओ कि आप क्या समझ पाए हो। तो वहाँ पे क्लासेस नहीं मिलती, आपकी अपनी मेमोरी पर कितना गेन कर पाते हो वो मिलता है। मतलब ट्रेनर नहीं पढ़ाता कोई, इस तरीके से नहीं था वहाँ पर, ठीक। तो खैर, तो मैंने भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला, कुछ कुछ मैं सीख पाई हूँ, वही एक्सपीरियंस और वही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज बात कर लेते हैं एडवांस एक्सेल में एडवांस फिल्टरिंग की। देखिए, फिल्टरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिल्टरिंग पे मैंने कई सेशन और कई क्लासेस में बात भी कर ली है। मान लीजिए एडवांस फिल्टरिंग की जरूरत कहाँ होती है, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, 10 20 50 लोगों की बात ना करके, अगर हम 100 200 की लाख बात करके ना कर मतलब 100 200 की बात ना करके अगर हम 1000 में बात करें, और एक एक डिपार्टमेंट में 50 50 तरह के लोग हों, और हम आपसे ये कहें, बताइए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कितने काम करने वाले लोग हैं, बताइए कितने लोगों की सैलरी 25,000 है, तो आप कैसे निकालेंगे। ऐसा तो फिल्टरिंग में भी नहीं आता। तो कितने लोगों की सैलरी इतनी है, ये एक डिपार्टमेंट में कितने लोग, या इतने कितने लोगों का डिपार्टमेंट सेम है, इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें एडवांस फिल्टरिंग की और प्रिवोट टेबल की, है ना। तो एडवांस फिल्टरिंग बहुत टफ है, उसमें आपको एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए को आसान नहीं होता, उसमें आप बेहतर यही है कि आप रेंज के हिसाब से ट्रंक का यूज करोगे, ट्रंक फॉर्मूले का। कैसे करोगे, आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो आपको एक रेंज सिलेक्ट करो कि हमें कहाँ से कितने सेल्स पर एडवांस फिल्टरिंग, मान लो कितने लोग हैं एक डिपार्टमेंट में कितने सेम है, तो आप नेम और डिपार्टमेंट्स की रेंज को सिलेक्ट करो, क्या कॉलम है, सेल रेंज, सेल एड्रेस को, सेल रेंज को आपको नजर में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बता देती हूँ, खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि टफ है। बस इक्वल TRUNC ट्रंक और लेफ्ट पेरेंट, लेफ्ट पेरेंट के बाद फिर वो सेल रेंज जो आपको एडवांस फिल्टरिंग में लेनी है, कोलन करके, फिर अगर मान लीजिए आपको कई सेल रेंज लेनी है, जैसे कि 3 4 सेल लेनी है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि 3 4 लेनी है, ये तो मान लो मैंने F5 से लेके G11 तक मैंने कर दिया, या F5 से लेके G5 तक, वो Y11 तक कर दिया मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर मुझे F को लेना है, I को लेना है, तो वहाँ पे F5, वो, और फिर उसके बाद जो अगर 5 6 हैं, तो 3 2 जगह कॉमा लगाइए, तीसरे के बाद कोलन, और फिर फोर्थ एड्रेस लिखिए, 5 लिखिए कॉमा, और फिर जो है देखिए, जैसे जैसे कि इक्वल TRUNC लेफ्ट पेरेंट
वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे डेटा आपको देखने को भी तो नहीं मिलते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि इतने क्रिटिकल डेटा बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो इक्वल ट्रंक TRUNC ट्रंक लेफ्ट पेरेंट G6, J6, फिर कोलन, फिर Y6, BD6, राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। फिलहाल आप इतना समझिए, इतना नहीं समझ पाएंगे। इक्वल TRUNC लेफ्ट पेरेंट, और जो एडवांस फिल्टरिंग में आपको रेंज लेनी है वो फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन लास्ट सेल एड्रेस और राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर हम एंटर भी कर सकते हैं, पर कंट्रोल एंटर करने से एग्जैक्ट सेल एड्रेस पे हमारा कर्सर जाता है, एग्जैक्ट सेल एड्रेस होता है उसमें, तो ये होता है। तो फिलहाल ज़्यादा ना समझ के इतना समझिए, इक्वल TRUNC लेफ्ट पेरेंट, और जिसकी आपको एडवांस फिल्टरिंग करनी है जहाँ से जिसकी और जहाँ से जहाँ करनी है तो वो सेल रेंज को बनाइए। तो वो कॉलम फर्स्ट कॉलम और कोलन करके शिफ्ट सेमी कोलन से कोलन करके फिर वो वाला कोलन फिर राइट पेरेंट फिर कंट्रोल एंटर। ये फॉर्मूला किसी लास्ट सेल में जहाँ आपकी टेबल ख़त्म हो रही है वहाँ लगा के रख लीजिए। अब वहाँ पे रख लें या वहाँ पे, हाँ ठीक है वहाँ पे रख लें। एक तो प्रोसेस भी बहुत टफ है, वहाँ पे रखने के बाद वहीं पे रख लें एक साइड में कहीं पे किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद फिल्टरिंग पे आएँ और तरीका वही रखें जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से करें, फिर आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो इस पर मैं एक क्लास और कर लूँगी, फिर उसके बाद प्रीवोट टेबल पर मंडे को बात करेंगे। वैसे तो थर्सडे तक होती है कंप्यूटर की क्लास आपकी, लेकिन मैं कल भी क्लास लूँगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।